फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोटीन रिच डोसा की रेसिपी, जो फटाफट बन जाते हैं। और इसमें हम ना तो चावल का यूज करेंगे, ना तो बेकिंग सोडा या इनो का यूज करेंगे, और ना इसको फर्मेंट करने की जरूरत है। और एक बार आप ये डोसा बनाओगे तो चावल के डोसा भी भूल जाओगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मैंने यहाँ पर 2 कप बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है, उसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको मैक्सिमम 3 घंटे तक भिगोना है, इससे ज्यादा नहीं भिगोना है। और अगर आपके पास नहीं है तो आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। इसको एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी पानी को हम यूज करने वाले हैं। दाल को हम 2 बैचेस में ग्राइंड करेंगे। पहली बैच में मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून खट्टा दही ऐड किया है। ये खट्टा है लेकिन फ्रेश है। अब जिसमें हमने दाल भिगोई थी उसी में से 3 चम्मच जितना पानी हम ऐड करेंगे। डोसा को चटपटा बनाने के लिए 2 मीडियम तीखी हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, एक बार मैंने ग्राइंड कर लिया है, अभी ये कॉर्स है, एकदम फाइन नहीं है। अब इसमें जाएगा मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और वो है 2 चम्मच बेसन। इससे बाइंडिंग आएगी और टेस्ट भी एनहांस होगा। इसी के साथ 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे, चीनी से कलर अच्छा आएगा। और हमने दही डाला है तो उसका खट्टापन भी बैलेंस हो जाएगा। अगेन इसको फाइन ग्राइंड कर लेंगे। इसको एक बोल में निकाल लेंगे। इसी तरह से मैंने दूसरी बैच भी ग्राइंड कर ली है, लेकिन उसमें सिर्फ 1 चम्मच दही और थोड़ा सा पानी डाला है, दूसरा कुछ भी नहीं डालना है। देखिए, इतना स्मूथ बैटर रहना चाहिए। अब इसे ढककर थोड़ी देर के लिए साइड पर छोड़ देंगे। तब तक इसके साथ सर्व की जाने वाली टेस्टी चटनी बना लेंगे। यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें 3 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल गरम होते ही 1 टेबलस्पून चना दाल और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। स्लो फ्लेम पर चना दाल को थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून उड़द दाल ऐड करेंगे, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। दो मिनट हो गए हैं और हमारी दाल भी लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें एक प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने रफली चॉप करके लिया है, इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये थोड़ी ट्रांसलूसेंट और सॉफ्ट हो गई है। 2 टमाटर को मैंने चॉप करके लिया है, वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप इसे ढक कर भी पका सकते हो। देखिए, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब लास्ट में 8 से 10 कलियां लहसुन की ऐड करेंगे। 2 मिनट के बाद लहसुन में भी हल्का सा कलर आ गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, इसको एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से पीस लेंगे। पीसते वक्त इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाला था। आपको अगर ज्यादा लिक्विडी पसंद हो तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। इसको एक बोल में निकाल लेंगे और फटाफट इसका तड़का बना लेंगे। एक तड़का पैन लेंगे, इसमें 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होते ही राई ऐड करेंगे, जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, उड़द दाल ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। कड़ी पत्ते। अब इस तड़के को चटनी के ऊपर पोर करेंगे। ऊपर थोड़े से तिल और धनिया स्प्रिंकल करेंगे। हमारी चटनी भी तैयार है। अब इसे साइड पर रख देंगे और फटाफट डोसा बना लेंगे। देखिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बैटर थोड़ा सा फूल गया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली बना लेंगे। परफेक्ट। देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी रखनी। अब यहाँ पर मैंने डोसा पैन लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है और पानी छिड़क कर ठंडा कर लिया, और गैस का फ्लेम स्लो रखना। अब इसमें 1 कड़छा बैटर ऐड करेंगे और इस तरह से राउंड घुमाते हुए डोसा बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका तवा अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये डोसा
फटाफट बन जाएगा। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। आज मैं इसे घी में बना रही हूँ। घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा घी डालेंगे, आप इसकी जगह पर तेल भी ले सकते हो। ऊपर सांभर मसाला स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा धनिया, थोड़े से चिली फ्लेक्स। सीजनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। परफेक्ट, दोनों तरफ अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। अब इसको नीचे उतार लेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितना इजीली ये टर्न हो गया है। अब फटाफट दूसरा डोसा बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस डोसे की खास बात यह है कि 2 से 3 डोसा बनाने के बाद आप अगर तवे को पानी डालकर ठंडा करोगे तो भी वो इजीली टर्न हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। लेकिन आपके तवे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा डोसा बनाने के लिए वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, लेकिन इसके ऊपर लगाएंगे हम तिल और फ्रेश पनीर को मैंने ग्रेट करके लिया है, वो स्प्रिंकल करेंगे। इसी के साथ थोड़े से वेजिटेबल्स लिए। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर गाजर, कैप्सिकम और प्याज लिया है। आप इसमें मटर ले सकते हो, बॉइल्ड कॉर्न ले सकते हो, आपको जो वेजिटेबल्स अच्छे लगते हो वो आप ले सकते हो। थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर मैंने गन पाउडर लिया है, वो स्प्रिंकल करेंगे। आप इसकी जगह पर सांभर मसाला भी ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसको भी क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो हमारा तीसरा डोसा भी तैयार है, इसको भी सर्व कर लेंगे। और अब बनाएंगे बच्चों का फेवरेट चीज गार्लिक डोसा। सच बात बोलूं, ये मेरा भी इतना फेवरेट है। सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले डोसा बना लेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे सॉल्टेड बटर। फ्रेंड्स, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बटर की जगह आप दूसरा कुछ भी मत लेना। बटर का टेस्ट एकदम यमी आता है। लहसुन को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, वो डालेंगे। इसके ऊपर चीज ग्रेट करेंगे और चीज में 9 मेजरमेंट। सीजनिंग के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो। हमारा चीज मेल्ट हो गया है। थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और नीचे से भी हमारा डोसा एकदम क्रिस्पी हो गया है और इसको भी नीचे उतार लेंगे। फ्रेंड्स, इस डोसे को मैं काट कर बताती हूँ। देखिए, एकदम क्रिस्पी बना है। तो हमारा डोसा भी तैयार है और चटनी भी। तो फटाफट इसको सर्व कर लेंगे। तो तैयार है हमारा प्रोटीन रिच हेल्दी मूंग दाल डोसा, जिसको आप गिल्ट फ्री होकर खा सकते हो। और ये डोसा बच्चों के टिफिन के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भूले बिना लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। Oh, oh, oh.